बस कोई बोलेगा मत, आप बोलिए। हाँ, जैसा कि आपने बाकी सब तो जानकारी हासिल करी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो गाइड उनका टीचर होता है, ट्यूटर होता है, वो फैकल्टी होती है जो उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो उन्हें आगे के लिए तैयार करती है। और अगर स्कूल लाइफ से ही उनको एक इंजीनियर बना हुआ बंदा पढ़ा रहा है, एक बंदा जो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से है, वो अगर उन्हें पढ़ा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनका आगे का लाइफ जाएगा। उन्हें ऑलरेडी बहुत ही क्लियर होगा कि हमें आगे बढ़ना है तो किस डायरेक्शन से बढ़ना है, हमारा जो एक रूट है वो कैसे तय होगा, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता हो जाता है। बस इतनी सी बात है। और फिर स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस गेन कराना, ये हमारे टीम का काम है, जो हम बाखूबी निभा के दिखाएंगे, क्योंकि हम यंग भी हैं, आप जानते ही हो हमारी टीम यंग ही है, तो हमें वो जोश भी है, और साथ ही साथ ये जोश हम बच्चों को भी देंगे कि वो आगे और अच्छा कर पाए अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू। युवाओं द्वारा ये जो नए क्लासेस के इजाद पर आई हैं, टाइमलाइन इस क्लासेस का नाम है, इन नए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टाइमलाइन क्लासेस का आज उद्घाटन हुआ है, और मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज गुड़ी पड़वा है, नया साल है, और नए साल के भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं युवा पीढ़ी के लिए इतना ही कहूँगी कि देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, तरीके से अपने आप को भी हमें प्रगति की ओर लेके जाना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसको आप अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और अपने आप की तरक्की करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माता पिता आपके लिए बहुत कोशिश करते हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको भी उसमें ध्यान देना चाहिए और मीरा भाईंदर शहर का भी नाम रोशन करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी शिक्षक मौजूद हैं, आप एक मैसेज उनको क्या देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि देखिए, मीरा भाईंदर शहर के बच्चे आपके हाथ में हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा ज्ञान उनको दीजिए, और हम मीरा भाईंदर शहर में हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे भारत देश का, हमारे राज्य का, और हमारे इस शहर का नाम रोशन करें, उसी प्रकार अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें, और अच्छे तरीके से आपकी जो शिक्षा दी जाएगी उसको वो अच्छे तरीके से ग्रहण करें। उद्घाटन हुआ है, ये क्लासेस क्या है, इस मीरा भाईंदर शहर में ये कौन सा विकल्प है, और आगे चलकर क्या करेगा? देखिए, अब तो आपको बता रहे हैं कि हम जो दोस्त थे, कुछ दो दोस्त थे जो शुरू से ही सपने देखे थे, सपने में ये देखे थे कि जो हमको नहीं मिल रहा है, जो चीज़ें हमको नहीं मिल रही है, वो चीज़ें हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को वो देंगे। और ये चीज़ें हमको शुरू से जो नहीं मिल रही थी, वो चीज़ें आने आगे वाली पीढ़ियों को देने का कोशिश करेंगे। तो उस सपने को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने कुछ सोचा कि कैसे चालू करें, तो हम लोग ने सोचा कि रूट लेवल से ही चालू करते हैं। रूट लेवल से यानी क्या, कि एजुकेशन से ही चालू करते हैं। तो एजुकेशन से चालू करने के लिए हम लोग ने इसको क्लासेस खोलने का एक प्लान बनाया। अब क्लासेस खोलने के एक प्लान के तहत हम लोग ने ये टाइमलाइन खोला है। अब टाइमलाइन का अर्थ क्या होता है, तो टाइमलाइन का अर्थ है समय सीमा। तो कोई भी चीज़ आप अगर कोई भी अगर कार्य कर रहे हो, वो समय सीमा के अंदर कर रहे हो, एक समय सीमा पूर्व ही निर्धारित कर लिया है आपने, कुछ काम करने के पूर्व आपने समय सीमा निर्धारित कर लिया है, तो वो समय सीमा के तहत अगर आपने काम किया और वो समय रहते हुए काम किया, तो ही आपका सक्सेस होने वाला है। नहीं तो फिर समय चला गया तो आप बहुत लोग कंपटीशन में है। अभी जैसे हमारे क्लासेस में बहुत सारे कोर्सेस हैं, हम लोग पहले 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस करने वाले हैं, फिर उसके बाद 11th, 12th JEE नीट साइंस सेक्शन में, फिर आर्ट्स में 11th, 12th, फिर BA कोर्सेस, वो सब कराने वाले। तो JEE नीट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें आपको ऐसा मिलेगा कि करीबन 16 से 17 लाख लोग एक बार में एग्ज़ाम देते हैं। तो वो 16 से 17 लाख एग्ज़ाम देने वाले लोग, हर लोग कुछ अच्छे होंगे, हर लोग पढ़ने वाले होंगे, लेकिन ऐसा आप में क्या अच्छा रहेगा जो उनको पछाड़ने वाला रहेगा, क्योंकि सीटें तो बहुत कम ही हैं। तो ऐसा क्या रहेगा, तो ऐसा वो रहेगा जो समय सीमा के अंदर जो कार्य करेगा वो रहेगा। तो वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे जो बैचेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं, तो आप अगर किसी सिपाही से जंग लड़ने का सीख रहे हो, तो
वही सिपाही अच्छा जंग लड़ना सिखा सकता है, ना कि कोई दूसरा उसके अलग। तो जैसे आपका अगर डॉक्टर बनना है तो एक डॉक्टर ही आपको सिखाएगा कि आपको कैसे डॉक्टर का पढ़ाई करना है या कैसे आगे डॉक्टर बन सकते हो। तो हमारे क्लासेस में सारे डॉक्टर्स रहेंगे। अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है आपको तो इंजीनियरिंग कोर्सेस लेने आगे आग चल के तो इंजीनियर्स रहेंगे, ये सब आगे होगा। संजय जी, आज आपने ये जो क्लासेस खोला है जिसका थीम रखा है अ गोल विदाउट टाइमलाइन, टाइमलाइन इज जस्ट अ ड्रीम, तो इस क्लासेस का गोल क्या है? इस क्लासेस का गोल यही है कि कैसा जो जैसे ऋतिक सर ने बोला हमारे कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली थी या हमारे टाइम पे जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुई थी एजुकेशन में, वो चीज़ें हमें उनको देना है। हर सुविधा उनको देनी है जो वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको नहीं मिल पा रही है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, ठीक है। और कैसा है कि जो कोर्सेज डिवाइड किए हैं हम लोग ने और जो फील्ड्स चूज़ की है वो भी ऐसे चूज़ की है कि उसमें हम एक्सपीरियंस के साथ साथ यंग टीम रखेंगे जो उनको कनेक्ट कर सके बच्चों के साथ। एक्सपीरियंस जरूरी रहता है एजुकेशन में, ये सबको पता है, पर जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस टीचर होता है, वो अपने इसके बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उनके हम एज वाले जो टीचर्स होते हैं वो। हमारी जो टीम है वो यंग टीम है जो बच्चों के साथ कनेक्ट करेगी। हमारे चार कोर्सेस अवेलेबल है, चार फील्ड्स हैं, फोर फील्ड्स हैं, जिसके अंदर स्कूल सेक्शन है, फार्मा सेक्शन है, आर्ट सेक्शन है और साइंस सेक्शन है। अब सब पूछेंगे कि स्कूल सेक्शन तो बहुत सारे हैं, आर्ट्स की चलो हमारी पहली ब्रांच होगी जो शायद मीरा भाईंदर से लेकर अंधेरे के बीच में पहली ब्रांच है। फार्मा के भी बहुत सारे हैं, साइंस के बहुत सारे हैं, पर क्वालिटी क्या मिलेगी? स्कूल सेक्शन में हम वो देंगे कि कैसा होता है कि स्कूल सेक्शन के अंदर बच्चों में वो होता है कि पहले डिमांड में सेट हो जाता है कि हमें करना क्या है। अगर हम पहले ही बच्चों को ये बताएंगे उनको कि उनके ड्रीम क्या है और क्या अचीव करना है, तो हमारे जो टीचर्स रहेंगे वो भी ये रहेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि वीक के अंदर या एटलीस्ट एक या दो टीचर दो लेक्चर में डॉक्टर इंजीनियर और सीए दें उन्हें, जिससे उन्हें पता चले कि आगे जाके उनको करना क्या है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है या इंजीनियर बनना है। हमारे मीरा भाईंदर शहर में जहाँ पर आपका क्लासेस खुला है बहुत सारे अन्य क्लासेस भी मौजूद हैं, तो उन क्लासेसों की तुलना में ये क्लासेस विद्यार्थियों को क्या अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएगा? हर फील्ड में अलग अलग हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। फार्मा जो सेक्शंस हैं और साइंस सेक्शन, पहली बार ऐसा होगा कि सब सेपरेटली करते थे, या तो फार्मा करते थे या मेडिकल में डॉक्टर के लिए जाते थे। हमारे पास पहली बार ऐसा होगा कि हमने क्या किया है कि जब बच्चा नीट रिपीट करेगा, नीट रिपीट करने का ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि 12th पास किए और नीट रिपीट कर लिए, हो गया नीट रिपीट किया और आपका एडमिशन हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रुथ है कि टाइम लगेगा रिपीट करने में, भी शायद एक साल लग जाए, दो साल लग जाए, जो सच है। बाकी क्लासेस वाले आपको नहीं बताएंगे कि दो साल में एडमिशन आपका करवा देंगे, सीट मिल जाएगी, MBBS मिल जाएगा, कुछ नहीं होता है। रियलिटी है कि एक दो साल मेहनत करना होता है। एक दो साल के मेहनत के अंदर अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर, तो ये पहला चीज़ हम करेंगे कि हम फार्मा और मेडिकल को साथ में कंबाइन कर रहे हैं कि अगर आप रिपीट करते करते कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर दो साल में जब तक आप नीट रिपीट कर रहे हो तब तक आप अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की डिग्री हासिल कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग में। प्रमुख सवाल जो उठता है कि जो विद्यार्थी है कॉलेज में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो वो इस क्लासेस में भी आकर क्यों पढ़े और क्या मतलब इतनी टीचिंग स्किल्स में यहाँ पे और वहाँ की तुलना में क्या अंतर है? ये आ जाएगा रुचि के ऊपर, ठीक है। ये बात होगी कि बच्चों को इंटरेस्ट क्यों आएगा। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं आएगा कि बाकी क्लासेस में जो टीचर है वो लाते हैं एक्सपीरियंस 45-50 जो प्लस एज वाले टीचर्स रहते हैं उनको लाते हैं, क्यों? उनको ब्रांड होल्डिंग रहता है, ब्रांड बनाते हैं वो। एक टीचर है उनके पीछे बच्चे आते हैं, वो ब्रांड के ऊपर चलते हैं। और हमारी जो टीम है वो यंग प्लस एक्सपीरियंस वाले हैं, तो जो बच्चे जो यंग जो टीचर हैं वो कनेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस अपना एक्सपर्टीज डालेंगे और यंग वाले अपनी एक्सपर्टीज डालेंगे। जैसे कि आपने अभी अभी टीचर्स की बात की, आपने बोला सीए डॉक्टर्स, उनका वे ऑफ टीचिंग विद्यार्थियों के प्रति कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा कि उनके फ्रेंडली रहें, उनमें इंटरेस्ट पैदा करें और इजी वे में उनको एक्सप्लेन करें कि कनेक्ट करने का कोशिश करें। मेन ये रहेगा इजी वे में उनसे कनेक्ट कर लें। थ्री चीज़ें मेन रहेगी उनके साथ, कनेक्ट करना, उनको पढ़ाना अच्छे से और उनको एक्सप्लेन करना। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि 2 साल में कोरोना काल में देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा थी, तो क्या ये क्लासेस भी कुछ उस तरह की सुविधा प्रदान करेगा? हम ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन जाएंगे, पर हम ट्राई करेंगे कि पहले ऑफलाइन पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। और जब ऑफलाइन का और जब ऑनलाइन जब हमें जाना होगा, सही टाइम आएगा तो ऑनलाइन भी जाएंगे हम। मेरी तक ये पहला ऐसा क्लासेस है जिसने अपने अंदर आर्ट्स सेक्शन को इजाद दिया है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे?
इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट थी, मतलब ये आर्ट्स क्लासेस खोलने का आइडिया मुझे कैसे आया वो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे कैसा लगता था कि मेरे पास भी, मेरे लिए भी कोई क्लास रहना चाहिए। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरा जो भी मैंने स्टडी किया है वो पूरे मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड से ही किया है। एंड नाउ आई एम सेट क्वालिफाइड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन LK तिवारी कॉलेज नाला सुपारा। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आर्ट्स के लिए भी कोई क्लास होना चाहिए जिसमें बच्चे लोगों को क्या सेल्फ गाइडेंस के अलावा उनको टीचर्स की गाइडेंस भी मिले कि हमें आर्ट्स में भी क्या फील्ड मिलनी चाहिए। लाइक अभी तक जो भी लोग देखते हैं वो कैसे करते हैं कि आर्ट्स को जस्ट एन ऑप्शन रखते हैं कि अगर आप कॉमर्स नहीं ले रहे हो, साइंस नहीं ले रहे हो तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। बट आर्ट्स में और क्या फील्ड है, आप आगे क्या कर सकते हो, उसकी गाइडलाइंस हम लोग देने के लिए यहाँ पे आर्ट्स की क्लासेस को स्टार्ट करने का हमने ट्राई किया है। एंड हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी आगे जाके इसके ऊपर और ऐसा काम करेंगे कि आर्ट्स को लोग एज ए ऑप्शन नहीं रखें, आर्ट्स में भी हम लोग का फील्ड एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचे जैसे कि साइंस एंड कॉमर्स है वैसे ही। ओके।